हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के लिए शेयर, आप लोग के लिए नहीं मतलब अपने लिए, मैंने खरीदा विंटर की कुछ कपड़े जो कि मैंने लखनऊ की सरोजनी नगर से लिया। अब आप लोग सोचोगे लखनऊ का सरोजनी नगर? जी हाँ, जैसे दिल्ली का सरोजनी नगर है वैसे हमारे लखनऊ का सरोजनी नगर है, बस उसका नाम थोड़ा चेंज है। इसका नाम है लवली। बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हैं। तो सबसे पहले चलिए आप लोग को मार्केट में ले चलते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने सच में क्या क्या खरीदा। ठीक, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सच में। और ये वाला ना पूरा गेट रेडी विद मी मैंने आप लोग के साथ शॉर्ट में शेयर किया, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और गाइस, मुझे ना अपना बाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ स्टाइल चेंज करने का फिर। ओके, ये तो मैंने सिंपल सी पोनी बना ली, सिंपल सी क्योंकि हेयर वॉश नहीं है। ओके गाइस, तो हर दिन में लगा हुआ है लंबा वाला जाम। गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ हजरतगंज। गाड़ी मैंने पार्किंग नहीं लगाई, 20 रुपये मैंने बचा लिए अपने। ओके, तो अभी मेट्रो के पास है, हजरतगंज मेट्रो, गेट नंबर 3। अभी ये स्टार्ट हुआ है इधर का मार्केट, ये बोल सकते हो आप वहाँ, यहाँ का सरोजनी नगर है। हमारे लखनऊ का सरोजनी नगर ही है। देखिए, ये कितने का है भैया? हैं? ये 1250 का है, तो ये आधे में ही देंगे। ओके गाइस, तो ये सब बाहर लगे हुए थे कोट वगैरह, तो मैंने यहाँ पे भी देखा काफ़ी अच्छे अच्छे थे, तो बार्गेनिंग बहुत हो रही थी यहाँ पे, तो 200 की मिल रहे थे। कितने का है भैया ये? अच्छा, ये पोंचो हमको लगा टॉप है। अच्छा जी, ये लोअर लगे हुए हैं, वुलन में लोअर लगे हुए हैं, और मुझे लगता है ये 100-100 रुपए के लोअर मिल जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, हम ना फर्स्ट गली में घुस रहे हैं। अभी देखिए, ये फर्स्ट है। मुझे यहाँ पे अगर ड्रेस वैसे ही अच्छा लग रहा है, कलर डिफरेंट आ रहा है इसमें। ओके गाइस, तो मुझे ये ग्रीन कलर का एक स्वेटर अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं कैसा लगेगा पहनने में। ये टर्टल नेक से मुझे बड़ी उलझन होती है, क्योंकि टर्टल नेक ना थोड़ा मोटा दिखा देता है। अभी बताओ कितने का दोगे? ये बोलो कितने का दोगे? 200 रुपए का। चलिए, कितने का देंगे? नहीं भैया, साढ़े 300 का तो नहीं लेंगे। लेकिन हमें एंकल लेंथ चाहिए वाला, मुझे पसंद आ रहा था ये वाला, तो सोच रहे हैं ये वाला लेने का। कपड़े खरीदने के बाद मैं पहुंच गई फुटवेयर की शॉप पे। बहुत सारे मैंने शूज़ वहां पे ट्राई किया, और अभी आपको घर पे दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया है। गाइस, तो मैंने कर ली इतनी सारी शॉपिंग, और 9:15 हो भी गया है, घर वालों का फ़ोन नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं जाऊँगी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना था। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने जो लिया था वो था स्वेटर। ठीक है, ये स्वेटर, ये बहुत ही प्यारा स्वेटर है, और ये जब आप सीढ़ी से उतरोगे, हाँ जब सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो दो दुकान छोड़ के तीसरी दुकान का ये लेफ्ट हैंड साइड पे तीसरी शॉप पड़ेगी, जब आप नीचे उतरोगे उनके यहाँ से ये मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का, और ये बहुत प्यारा, पहनने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट मैंने पता नहीं क्यों खरीद लिया, लेकिन खरीद लिया क्योंकि ये छोटू सा स्कर्ट, मीन्स कि ये मेरे घुटने तक आ रहा है, इसलिए मैंने ले लिया। इसके नीचे लैगी पहनूंगी, स्वेटर पहनूंगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि स्कर्ट है, लेकिन जो लोग स्कर्ट पहनते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ के लिया। इसका फैब्रिक वुलन वाला है, और इसकी ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये लिया।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बेज कलर की मिडी लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी मिडी है, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी। और इसका वुलन कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है, फुल स्लीव्स के साथ है, और इसमें टर्टल नेक भी दिया गया हुआ है जो कि पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये की मिली। मतलब क्या कोइंसिडेंट है कि हर चीज़ें मुझे 200 रुपये की मिल रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की जीन्स लिया था, और जीन्स है ज़ारा लिखा हुआ है इस पर, हालांकि ये रेप्लिका है, और ये लेकिन बहुत अच्छी है। मैंने इसे अभी एक बार पहना भी, बाद में इसका हॉल कर रही हूँ। मतलब कि इसका आप देख लो बटन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। और इसका जेड ब्लैक मुझे बहुत पसंद आया। और ये मैंने कहाँ से लिया था आपको बताऊँ, जब आप लव लेन के बीचों बीच में जाओगे, नीचे सीढ़ी उतर के जो सबसे पहली शॉप पड़ेगी राइट हैंड साइड पे, सबसे पहली शॉप उनके यहाँ से मैंने ये जीन्स लिया था सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे लिया ये बूट। ये जब आप गली के अंदर जाओगे ना, जहाँ से लव लेन शुरू होगा उसके बगल में जो गली है, बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, सीधे गली में आप निकल जाओगे, तो वहाँ पे जो सबसे पहली शॉप पड़ेगी फुटवेयर की, उन्हीं के यहाँ से मैंने ये शूज़ लिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का है। मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, मतलब उन्होंने बोला था 600 रुपये का, लेकिन मैंने 250 रुपये का बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं सोच रही थी यार 250 रुपये मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या, मुझे 200 रुपये बोलना चाहिए था। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अब बोल दिया तो बोल दिया, तो फिर मैंने ये 250 रुपये का शूज़ लिया है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, शाइन, मुझे शाइन वाली चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे मैट वाली जो फिनिश होती है वो मुझे पसंद है, तो ये मैट फिनिश पे है। और 250 रुपये का शूज़, मुझे लगता है अगर ये एक महीना भी चल जाए ना तो मतलब है ठीक है, लेकिन लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पे लिया है वो लिया है बूट, क्योंकि मेरा ना बड़ा दिल था बूट लेने का। तो आप देख सकते हो ये इतना बड़ा वाला बूट है, ये देखिए इतना बड़ा वाला बूट है। ठीक है, तो ये देखिए पहनने में बहुत प्रिटी है। और सच बताऊँ तो मैंने ये लव लेन मार्केट से नहीं लिया है, ये मैंने लिया है अमीनाबाद की वैरायटी के यहाँ से, जो मुझे पड़ा है 3000 रुपीज़ का। बट क्वालिटी इज़ अमेजिंग, लुक इज़ अमेजिंग गाइस। ओके गाइस, बारी आती है कोट की, तो यहाँ पे लव लेन से मैंने ये ब्राउन कलर का कोट लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारा कोट है, और इसका एक बेज कलर है, इसका एक ब्राउन कलर ये लिया है। अभी पहन के आपको दिखाती हूँ। कपड़े मतलब क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब बिल्कुल भी बबल्स वगैरह नहीं, एकदम फ्रेश। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई कोई शॉप ऐसी होती है कि सेकंड हैंड भी देते हैं, मतलब कि यूज़ किया हुआ भी देते, तो वो मुझे समझ में नहीं आता यूज़ किया हुआ। लेकिन अभी आप इसे ना एकदम पास से भी देखो ना, तो कहीं पे भी बबल वगैरह नहीं निकले हुए हैं, बहुत ही फ्रेश है, बिल्कुल भी यूज़ की हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको लिया। और इसका प्राइस था, उन्होंने बोला 1600 रुपये का था, लेकिन ये मुझे पड़ा 1000 रुपीज़ का। और मुझे पता है ये सरोजनी नगर मार्केट से बहुत महंगा, क्योंकि सरोजनी नगर में तो 200-300 रुपये का मिल जाता है, बट ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा। लेकिन इसकी क्वालिटी की वजह से मैंने ले लिया, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड में तो 5000-6000 से कम नहीं मिलता। क्योंकि मैंने इसका सेम टू सेम लिया, वो 7000 का मैंने लिया था, शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा वो वाला कोट, सेम इसी की जैसे है। और वो मैंने मॉल से लिया था, फन मॉल से, पता नहीं कौन सा इसका ब्रांड है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस उस वजह से सोच के मैंने ये वाला 1000 रुपीज़ का ले लिया। सेम उसी का ही ये बेज कलर है, अभी पहन के दिखाती हूँ। इसका भी क्वालिटी सेम टू सेम है, वो थोड़ा सा रफ टाइप में है, मतलब कि जैसे हल्का सा गलने वाला और थोड़ा और ज़्यादा गर्म करने वाला। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक पे है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने पे, बहुत क्लासी लगता है। तो चलिए अभी आप लोग को पहन के दिखाती हूँ। ओके गाइस, जो मैंने नेक्स्ट लिया था वो भी एक मिडी है, ब्लैक कलर की मिडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगेन इसका टोटल नेक है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और ये मैंने लिया था 300 रुपीज़ का। जब आप सीढ़ी उतर के जाओगे तो जब जो सबसे पहली शॉप पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहली शॉप पड़ती है, वहाँ से मैंने लिया था ये मिडी, और ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की है। और ये मैंने अपने एक शॉट में मैंने पहना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 300 रुपये में इतनी अच्छी निकलेगी, और पहनने में बहुत स्मार्ट लगती है।
ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप आप लोग को ये लव लेन का कलेक्शन मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा फैबलेस ज़रूर फॉलो करिएगा। बाय बाय।